हेलो एवरीवन, आज की क्लास में इसका सममित चित्र बनाएंगे। इससे पहले की वीडियो में ए से लेके आर तक सभी सममित चित्र कंप्लीट करवा दिए गए हैं, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। आर का सममित चित्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक रेखा खींचनी होती है। इस रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये रेखा खींचने के बाद आप चांदी की सहायता से इसमें एक 90° का कोण बनाने के लिए 90° की जगह इस प्रकार से एक पॉइंट रख देते हैं तथा राइट साइड में एक 30° का कोण बनाने के लिए एक पॉइंट रख देते हैं। लेफ्ट साइड में भी एक 30° का कोण बनाते हैं तो वहां पे भी एक पॉइंट रख देते हैं। पॉइंट रखने के बाद ये जो 90° का हमने पॉइंट लिया है इसे हम इस पॉइंट से मिलाएंगे और याद रखेंगे ये जो रेखा रहेगी ये 90° होते हुए जाएगी और इसकी ऊँचाई हमें मात्र 7 सेंटीमीटर ही रखना है। इस प्रकार से ये रेखा खींच देंगे। रेखा खींचने के बाद पटरी पुनः इसी रेखा पर रखते हैं और इसमें 1-1 सेंटीमीटर दूरी नापकर इसमें पॉइंट्स रख देते हैं। पॉइंट्स रखने के बाद अब हमने राइट साइड में ये जो 30° का कोण माना था इसमें हम पटरी रखेंगे और पटरी की सहायता से इसमें 4 सेंटीमीटर दूरी नापकर एक रेखा खींच देंगे। रेखा खींचने के बाद इसमें 1-1 सेंटीमीटर दूरी नापकर 4 पॉइंट्स रख देते हैं। हमने जो 30° का इस तरफ लेफ्ट साइड में एक पॉइंट लिया था इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे और याद रखेंगे इसकी आप लंबाई आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। इसके बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 1 सेंटीमीटर दूरी नापकर एक पॉइंट से रख देते हैं। ये जो हमने पॉइंट लिया है इस पॉइंट को हमें ऊपर की ओर बढ़ाना है तथा इसकी ऊँचाई हमें 7 सेंटीमीटर रखना है और आपको याद रखना है ये जो हमारी रेखा रहती है इस रेखा की ऊँचाई 7 सेंटीमीटर रखेंगे और ये रेखा ये जो हमारी मध्य की रेखा होती है जिसे हम लंब रेखा भी कहते हैं इस रेखा के समांतर होनी चाहिए अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये बराबर होनी चाहिए और बीच का गैप 1 सेंटीमीटर रहना चाहिए। इसके बाद इस तरफ आएंगे ये जो हमने 30° की रेखा खींची थी इस रेखा पे जो हमने ये पहला पॉइंट लिया था इस पॉइंट को ऊपर की ओर खींचेंगे और इसकी भी जो ऊँचाई है वो हमें 7 सेंटीमीटर ही रखना है। इस प्रकार से रेखा खींचने के बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे और इसी प्रकार से रेखाएं एक खींच देंगे 7 सेंटीमीटर की। सभी रेखाएं खींचने के बाद ये जो हमारी लास्ट रेखा रहती है इस रेखा पे हम अपनी पटरी रखते हैं। पटरी रखने के बाद इसमें 1-1 सेंटीमीटर दूरी नापकर पॉइंट्स रख देते हैं। आपको ज्ञात ही होगा कि ये जो रेखाएं रहती हैं इनकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर रहती है। पॉइंट्स रखने के बाद अब ये जो हमारी लंब रेखा का पॉइंट था और ये लास्ट रेखा का पॉइंट इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद अब इस रेखा का ये पॉइंट्स और इस रेखा का ये पॉइंट्स इन दोनों को आपस में मिला देंगे। सभी रेखाएं खींचने के बाद अब हम इस सेकेंड रेखा पे आते हैं। इस रेखा में हम इस प्रकार से पटरी रखेंगे और यहां से ऊपर की ओर 1 सेंटीमीटर दूरी नापकर एक पॉइंट्स रख देते हैं। ये जो हमने पॉइंट्स लिया है इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। इन दोनों को मिलाने के बाद अब हम इस पॉइंट को और इन दोनों पॉइंट को भी मिला देते हैं। इस प्रकार से मिलाने के बाद अब इसमें हम पुनः पटरी रखते हैं और इस रेखा पर नाप के हम 1-1 सेंटीमीटर दूरी के 3 पॉइंट्स रख देते हैं। ये जो हमने पॉइंट्स लिए हैं इन पॉइंट्स को इस रेखा से मिला देंगे। इसी प्रकार से सभी पॉइंटों को इन रेखाओं से मिला देते हैं। इतना करने के बाद अब हम नीचे आएंगे। नीचे जो ये जो हमारी मध्य रेखा थी जिसे लंब रेखा कहते हैं इस रेखा पे जो हमने पहला पॉइंट लिया था और लास्ट रेखा का जो पहला पॉइंट था इन दोनों को आपस में मिला देंगे। इसी प्रकार से इस रेखा पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को मिला देते हैं। सभी पॉइंट्स को मिलाने के बाद इस रेखा पे हमने ये जो पहला पॉइंट माना था इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। इसी प्रकार से जितने ये पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स को इन रेखाओं से मिला देते हैं। ग्राफ बनाने के बाद अब हम नीचे ये जो रेखा थी जिसे क्षैतिज रेखा बोला जाता है इस रेखा को पटरी की सहायता से थोड़ा बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद अब इसका नाम दे देंगे। ये 30° की रेखा थी तो यहाँ पर 30° लिख देते हैं। ये 30° की रेखा थी यहाँ पर 30° लिख देंगे तथा इसकी ऊँचाई दर्शाने के लिए हम इसमें पटरी की सहायता से इस प्रकार से एक रेखा खींचेंगे और इसकी ऊंचाई हम 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। ऊंचाई लिखने के बाद अब हमको इसकी चौड़ाई दर्शाना है। चौड़ाई दर्शाने के लिए
ऊपर की ओर इस प्रकार से एक रेखा खींचते हैं और यहाँ पे इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर रहती है तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। तथा ये जो हमारे वर्ग काट रहते हैं अर्थात या खाने रहते हैं इनकी खाने की नाप दिखाने के लिए यहाँ पे हम इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर इस प्रकार से लिख देते हैं। इसके बाद ये जो हमारी रेखा है इस रेखा को सममित रेखा कहते हैं तो यहाँ पे हम इसे इसका नाम दे देंगे सममित रेखा। ग्राफ बनाने के बाद अब हम यश का सममित चित्र बनाएंगे। यश का सममित चित्र बनाने के लिए सबसे पहले आप ये जो हमारी लंब रेखा थी अर्थात मध्य की रेखा इसके 1, 2, 3 पॉइंट से यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इस रेखा को हम डार्क कर देंगे। इतना डार्क करने के बाद ये जो हमारी पॉइंट था ये पॉइंट हमारा 1, 2, 3 पॉइंट था। इसी प्रकार से यहाँ से 1, 2, 3 पॉइंट तक जाएंगे और इस पॉइंट को हम कर्व कर देंगे। इस प्रकार से इसमें एक कर्व कर देंगे। इसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस रेखा को यहाँ से इस प्रकार से बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद ये पॉइंट और इस लास्ट रेखा का ये पॉइंट इन दोनों को कर्व की सहायता से इस प्रकार से मिला देंगे। इतना करने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो हमारी रेखा है इसे हम आगे की ओर मिला देंगे। इसके बाद हम पुनः इस पॉइंट पे आएंगे। ये जो हमारा जो सेकंड पॉइंट था इस पॉइंट को और इसके 1, 2, 3 जो तीसरा पॉइंट है इस पॉइंट के पहला और दूसरे इस पॉइंट से इन दोनों को कर्व करते हुए इस प्रकार से मिला देंगे। इसी प्रकार से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक हम कर्व करेंगे। कर्व करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आप जितना अच्छा कर्व करेंगे यस आपका उतना ही अच्छा बन के आएगा। इस प्रकार से करने के बाद अब हम इस रेखा पे आएंगे मध्य रेखा पे और इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो हमारा छठा पॉइंट है इस पॉइंट पे हम अपनी पेंसिल रखेंगे और इस पेंसिल को ये जो हमारा पॉइंट्स माना इस पॉइंट को और ये जो हमने यहाँ पे ये कर्व करा है इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे। इस प्रकार से मिलाने के बाद अब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस रेखा को आगे की ओर बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इनको हम एक कर्व की सहायता से मिलाएंगे। इस प्रकार से इनको हम मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम इस रेखा से इस रेखा तक आगे की ओर इसे और बढ़ाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम काउंट करेंगे तो 1, 2, 3 और नीचे की ओर आएंगे तो 1, 2, 3 ये तीसरा पॉइंट और इस रेखा के ये तीसरा पॉइंट है इसे कर्व की सहायता से हम मिला देंगे। इस प्रकार से हम मिला देंगे। मिलाने के बाद ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट को हम आगे की ओर इस तरफ बढ़ाएंगे एक खाने तक इस प्रकार से और यहाँ पे मिला देंगे। इतना करने के बाद अब हम ये जो हमारा यहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है इसके 1, 2 और 3 इस पॉइंट पे आएंगे। इस पॉइंट पे आने के बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक हमें हल्का सा कर्व इस प्रकार से बनाना है जिससे घुमावदार आपको यहाँ पे बनाना है। इसी प्रकार से हम नीचे की ओर इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर मिला देंगे। इस प्रकार से एक कर्व बना देंगे। इतना करने के बाद इस पॉइंट को हम ये जो हमारी रेखा की इस रेखा की ये जो पॉइंट था जहाँ पे हमने डार्क किया था इसको एक कर्व की सहायता से इस प्रकार से यहाँ पे मिला देंगे। इस प्रकार से मिलाने के बाद इस पॉइंट पे आएंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट से एक कर्व की सहायता से इस प्रकार से मिला देंगे। आप देखेंगे ये हमारा यश का अंदर का भाग बन चुका है। अब इसकी हमें छाया बनानी है। छाया बनाने से पहले आप ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट को इस पॉइंट से आप मिलाएंगे। इस प्रकार से इसे पटरी की सहायता से आप मिला देंगे। इसके करने के बाद ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट को इस पॉइंट से इस प्रकार से आप मिला देंगे। इसके बाद ये जो हमारी रेखा है इस रेखा को आप डार्क कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हमारा पूरा एक खाना बन जाएगा जिसकी दूरी 1 सेंटीमीटर रहेगी। इस प्रकार से करने के बाद अब हम इस रेखा पे आएंगे तो 1, 2 ये तीसरा पॉइंट और इस रेखा पे 1, 2 ये तीसरा पॉइंट है इनको हम इस प्रकार से कर्व करते हुए इस प्रकार से मिला देंगे। ये कर्व आपको इस प्रकार से बनाना है। इसके बाद ये हमारी यहाँ की छाया बन चुकी है। अब इसके अंदर के भाग की छाया बनाने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक हल्का सा इस प्रकार से कर्व कर देंगे
और इसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को एक हल्का सा कर्व करते हुए इनको आपस में मिला देंगे। इस प्रकार से इसकी हमें छाया मिल चुकी है। अब हमें बाहरी भाग की छाया बनाने के लिए इस पॉइंट से इसके एक दो दूसरे पॉइंट से एक रेखा तक इसको आप आगे की ओर इस प्रकार से बढ़ा देंगे। इसके बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसको हम एक कर्व करते हुए इस प्रकार से मिला देंगे। इतना करने के बाद अब हम इस पॉइंट पे आएंगे। इस पॉइंट का ये पहला और दूसरा पॉइंट जो है इसको इस प्रकार से यहाँ पे मिला देंगे। इसके बाद इसको नीचे की ओर और थोड़ा सा बढ़ाएंगे और यहाँ से लेके इस प्रकार से यहाँ पे इसको मिला देते हैं। आप देखेंगे ये हमारा यस बन चुका है। आपको ध्यान रखना है कि आपके जितने भी ये कर्व हैं अर्थात जितने ये वक्र बन रहे हैं, जैसे ये इस प्रकार से हैं, जितना अच्छा आप इनको बनाएंगे उतनी ही अच्छा आपका यस बन के आएगा। इसलिए कि जेड तक के सममित चित्र में सबसे हार्ड आपको यस रहेगा, इसलिए इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से ज़रूर कर लें। इसके बाद अब यहाँ से इसकी छाया बनाएंगे। छाया बनाने के लिए इस वाले भाग को हम यहाँ पर सेट कर देंगे। इसी प्रकार से इसकी छाया बनाने के लिए इस वाले भाग को हम सेट कर देंगे और इसकी छाया बनाने के लिए इस यहाँ से इस भाग को हम सेट कर देंगे। इसके बाद एक यहाँ पे छाया और बनती है इस वाले भाग में, तो यहाँ से एक छोटा सा इस प्रकार से करेंगे और यहाँ पे इसकी छाया बना देंगे। अच्छी तरीके से सेट करने के बाद आप देखेंगे ये हमारा यस का सममित चित्र बन चुका है। इसके बाद जितनी भी ये रेखाएँ रहती हैं इनको आपको और अच्छे से डार्क कर देना है, जिससे ये अच्छा समझ में आए, तथा ये जितनी भी एक्स्ट्रा लाइनें रहती हैं इनको आपको अच्छी तरीके से इरेज कर देना है। ये आपका जो चित्र रहता है ये बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना चाहिए। और यदि आप ये जितने भी आप चित्र बनाते हैं ए से लेकर जेड तक या अन्य कोई प्रश्न है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग YT एडिट पे जाके आप वहाँ पे भेज सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम में अनुराग YT एडिट सर्च कर लीजिए, आप वहाँ पे भी अपने जो क्वेश्चन है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।